Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV UA क्योंकि ये ज़माना We the Youngsters का. अरे यार ये कैसी मोटी लड़की है, अरे ये तो कितनी काली है. पता है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों के लिए, बट वो सूरत देखते हैं, सीरत पे नहीं जाते हैं. कई लोग हैं जिन्होंने बिना सूरत के अपना नाम बनाया है. भाई APJ अब्दुल कलाम कोई बहुत हैंडसम नहीं है कि यार हीरो हैं, बट वो देश के हीरो रहे हैं. देन हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें जो इंडस्ट्री में राजकुमार राव, दे आर शॉर्ट हाइटेड नॉर्मल बॉयज़, बट आप सोचिए कि वो आज सुपर स्टार्स हैं. या फिर हम कोई एक्ट्रेस की बात करें, भारती की बात कर लें, भाई मोटी है बट कितनी फेमस है. तो ऐसा ही एक बहुत हमारे देश में एक प्रॉब्लम है रंग को लेकर कि सांवली है, अरे ठीक है सूरत सांवली है तो क्या ही आगे बात करेंगे. बट कार्तिक पूर्णिमा एक शो है जिसके तहत ये स्टोरी को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा. तो कार्तिक पूर्णिमा की स्टारकास्ट हमारे साथ है, हर्ष नागर और पौलोमी दास दोनों से बात करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस वाइज शूटिंग कार्तिक पूर्णिमा और क्या क्या उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में वो कहना चाहते हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. वेल आई हैव सीन मैनी रोमांटिक मूवीज़ और मे बी सीरियल्स जिनमें बहुत ऑफ बीट स्टोरी लाइन होती है और फिर हमें उनसे कैरेक्टर्स से प्यार हो जाता है. फिर हम ये सोचते हैं वाओ आर दे नेचुरली इन लव. बट द थिंग इज़ कि कई ऐसी भी स्टोरीज होती हैं जो हमें कुछ सिखा के भी जाती हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्यार दिखाएंगी या घर के पचड़े दिखाएंगी. वो एक समाज का एक ऐसा रूप भी दिखाती हैं जिसे बहुत ज़रूरी है जानना, नज़रअंदाज करने का कोई लॉजिक नहीं. मेरे साथ हैं कार्तिक पूर्णिमा की कास्ट पौलोमी दास एंड हर्ष. सो आपका वेलकम है इंदौर में. इंदौर में पहली बार आना हुआ है कि इसके पहले आ चुके हैं? मैं 2-3 बार आया हूँ, पर जब भी आता हूँ तो एक दिन के लिए आता हूँ. तो फिर मतलब बस एक दिन आता हूँ, पोहा खाता हूँ, चला जाता हूँ, फिर एक बार आता हूँ. पोहा खाने तो नहीं आते हर्ष आप इंदौर? बस हाँ, पर मतलब पूरा नहीं घूम पाया हूँ. पौलोमी आपके लिए ये मेरा पहला ट्रिप है इंदौर में. मैंने बहुत सुने, मेरे बहुत इंदौरी फ्रेंड्स हैं. इंदौरी इज आवर वर्ड. वाओ मेरे बहुत इंदौरी देखो क्या है, ये बंदी बंगाली है, ये प्ले करी कैरेक्टर पंजाब अमृतसर का और ये इंदौरी भी बोल रही है. माय गॉड किधर से आता है, किधर से? इंडिया से और कहां से. सो हाँ मेरे पास मेरे बहुत इंदौरी फ्रेंड्स हैं तो मुझे पता है पोहा. फिर कल रात हम सराफा मार्केट भी गए थे खाना खाने, कचौरी, फिर जलेबा, रबड़ी, फिर बुद्धे का किस, और फिर दही बड़े, और फिर व्हाट वाज दैट द कोकोनट क्रश. तो बहुत पेट भरा हुआ है, मतलब अच्छा खासा. हर्ष आपसे पूछना चाहूँगी कि इसी हम लोग कोई कैरेक्टर को जब प्ले करते हैं उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी जुड़ता है, और अगर जब आप कुछ ऐसा प्ले कर रहे हैं जो ऑलरेडी लोगों के सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव इमोशन से जुड़ा हुआ है, सो उसमें एक राइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आप लोग एक्टर्स हैं बट मुझे लगता है एक सीरियल की राइटिंग भी उतनी ही कमाल की होनी चाहिए जिसे एक्टर उस किरदार को जी सके और सामने वाले तक कनेक्ट कर सके. एक्चुअली राइटिंग ऐसा है कि चाहे वो 2 लाइन का जोक हो, चाहे वो एक किताब हो, चाहे वो 10 सेकंड की वीडियो हो, टिकटॉक हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, टीवी सीरीज हो, राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहानी एक कारण है जिसलिए मैं 10 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ पर मैंने कभी टीवी नहीं किया था, और यही सोच के कि मतलब ज़्यादा जो है वो फीमेल पात्रों का कहानी होती है, सास बहू की कहानी होती है, तो सिर्फ सूट पहन के खड़े रहना नहीं था मुझे. पर देवर के किरदार में नहीं आ सकते, मतलब जो यूजुअली जो देवर वाला किरदार, वो मुझे एक्साइट नहीं किया. मैंने कहा कि तब मैं फिल्में कर रहा था, एड्स कर रहा था, तो मैंने कहा वो करता हूँ. लेकिन कार्तिक पूर्णिमा में खास बात यह है कि ये कहानी, जैसे कि आपको पता है टाइटल से ही, 2 लोगों की है, कार्तिक और पूर्णिमा. और इसमें राइटिंग का कमाल ये है कि एक लड़का है जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रूहानी है, डॉक्टर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लोगों की कदर करता है. हैंडसम डॉक्टर है यार. तो और उसको जो लड़की पसंद है वो पूर्णिमा है, जिसमें भी सेम वैल्यूज़ हैं. वो भी जो है अपने से पहले लोगों की सोचती है, उसको भी जो है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अच्छाई है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की सोच समझ में आती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं. पर परेशानी यह है कि जो लड़की की माँ है उनको काला रंग पसंद नहीं है, और लड़की की माँ उनको पसंद नहीं, क्योंकि वो एक पेज 3 आइकन है.
और यही कहानी में हमारी मतलब परेशानी यही है कि लड़का लड़की राजी हैं, बट काजी है, काजी को किसे राजी करवाए, लड़की की जो माँ है बड़ी स्वीट ना, ऐसा हंस हंस के दिल जीत लेती होगी, है ना। सो पॉलोमी आपके लिए, सी हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रेंड देख रहे, चित्रांगदा हो या फिर बिपाशा बासु हो, दे हैव कम टू द इंडस्ट्री एंड दे हैव प्लेस्ड देमसेल्व्स लाइक एनीथिंग। सो वो वाला जो फैक्टर है कि सांवला लंक, बिकॉज बहुत अच्छी मॉडल्स भी आजकल इंटरनेशनल मॉडल्स भी जो हैं वो, सो आपको लगता है दिस इज समथिंग पीपल आर चेंजिंग इन रीसेंट टाइम्स एंड दे लव देयर स्किन एंड दे आर लाइक वी आर गुड टू गो, वी डोंट नीड एनीथिंग। पहली बात तो मैं 2013 से मैंने काम करना शुरू किया ना एज अ मॉडल। आई हैव वर्क्ड इन कैलकटा एंड देन मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, तो एज अ मॉडल मैंने बहुत सालों तक काम किया है, देन आई स्विच टू एक्टिंग। तो ऑब्वियसली आई थिंक इंडस्ट्री वाइज ये बहुत चेंज हो चुका है एंड पीपल दे रियली वॉन्ट टू टेक अ डस्की स्किन गर्ल, लाइक उनको सांवली लड़कियाँ चाहिए होता है अब एंड इट इज़ चेंजिंग। चित्रंगदा, राधिका आप्टे, बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, आई मीन दे आर वर्किंग सो गुड एंड हाउ एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो दे आर वर्किंग। तो आई थिंक इंडस्ट्री वाइज ये बहुत चेंज हो चुका है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री कही है, मॉडलिंग में इवन मुझे इंटरनेशनली बहुत अप्रोचेस आते हैं, बहुत सारे बाहर की कंट्री के जो एजेंसीज होते हैं वहाँ से, बिकॉज ऑफ माई कलर, उनको ये कलर बहुत पसंद है। तो मॉडलिंग वाइज ये बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन स्टिल आई थिंक इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं लाइक स्मॉल टाउन्स में जहाँ पे कलर को लेकर अभी भी इशू बनाते हैं, लाइक गर्ल्स आर नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ देयर कलर। उनको हर जगह पे ये सुनना पड़ता है, अरे तुम तो खूबसूरत हो पर तुम्हारा रंग सवला, मतलब बट हम 2020 में पहुंचने के बाद भी आपको लगता है इससे कुछ लोगों में, मैं ये तो नहीं कहती आप एंटरटेनमेंट के लिए आप बनाते हो सीरियल, आपके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हम लोग नहीं डाल सकते कि आप उसका सोशल मैसेज भी दो, बट ऑल दो अगर आप कुछ ऐसा दे ही रहे हो तो आपको लगता है कुछ बिट परसेंट लोगों में ये बदलाव आएगा कि नहीं हमें हमारी लड़की ऐसी ही पसंद है, या फिर लड़की में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है व्हाट पीपल आर सेइंग बट आई एम गुड टू गो विथ माय कलर। एक्चुअली हमारा शो जो है वो हफ्ते में 6 दिन आता है, और अगर आप साल में देखेंगे तो वो 312 एपिसोड होते हैं, और क्योंकि मेन जो हमारा कैरेक्टर है पूर्णिमा, वो ही ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो काली हैं, तो वो तो बात है ही नहीं कि हम कालेपन को एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आएगा, क्योंकि सिर्फ बात पूर्णिमा की नहीं है, जब हम किसी को गलत ट्रीट करते हैं वो भी लोग हैं, वो पात्र हैं, चाहे वो इनकी माँ हो, चाहे वो और लोग हों, चाहे वो मेरी मॉम हो, उनका जो नज़रिया है, बेसिकली हमें नज़रिया बदलना है, तो जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आता है, और ऐसा नहीं है कि सब जो हैं एक नज़रिया गलत है या दूसरा, कोई भी इंसान जो भी सोचता है वो इसलिए सोचता है क्योंकि या तो उसने सोसाइटी में देखा है या माँ बाप से सुना है या फिर उस शहर में उस सोसाइटी में ऐसा सुना है कि ये अच्छा है ये ख़राब है, तो वो हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे क्योंकि मेन कैरेक्टर है, ये उसकी परेशानी है और उसकी परेशानियों पर स्टोरी में पूरा ध्यान है, तो वो जरूर करेंगे। आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस कॉल्स आए आफ्टर यू प्लेइंग, यू स्टार्टेड प्लेइंग एंड पीपल थॉट कि वाओ, एंड आपके पास ये आए मैसेज कॉल्स में भी अप्रिसिएशन के कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आवर स्टोरी टू द स्क्रीन? सो आई थिंक शो साइन करने से पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे सोशल मीडिया पर, जो लड़कियाँ जब कहती हैं कि लाइक हम आपको देखते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा रंग सांवला है, हमें अच्छा नहीं लगता। सो मुझे हमेशा से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था वेयर आई कैन टेल दोज गर्ल्स कि लाइक First of all, you need to stop feeling bad for yourself. Like, जिस दिन आप बुरा फील करना बंद कर दोगे ना, आई थिंक बाहर के जितने लोग होंगे वो भी बुरा फील करना बंद कर देंगे। सो आई थिंक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जो शो जब मेरे पास आया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आफ्टर द शो लॉन्च मुझे उन्हीं लड़कियों से मैसेजेस आने लगे एंड देर लाइक थैंक यू हमारे पास ये शो लाने के लिए, एंड फ्रॉम हमारे शो से सीरियसली हमारा मोटो यही है कि हम ये परसेप्शन चेंज करें, सीरियसली वी वांट टू डू इट। 2020 में आ गया यार, लाइक वी हैव सो मेनी थिंग्स टू वरी अबाउट, क्यों इसको रंग को लेके मुद्दा बनाना। चलो अभी ना ये रंग हटा देते हैं, हर्ष को कैसी लड़की पसंद है? आई थिंक मेरे लिए मेंटल, क्योंकि मेरा बर्थडे आता 31 जनवरी, विच इज़ एक्वेरियस, तो एक्वेरियंस जो होते हैं वो बड़े फिलोसॉफिकल, हाँ जी, बड़े रूहानी होते हैं, उनको शेर व शायरी और थाट बड़ा पसंद है, तो जस्ट सिर्फ ड्रेस, स्ट्रेट बाल, वो रंग या ये सारी चीज़ों से मैं इतना इम्प्रेस नहीं होता।
ये जरूरी है। मुझे बहुत अच्छी शायरियाँ आती है हर्ष, यू नो आई एम वेरी गुड टू गो विद इट। हम लोग महफिल जमा सकते हैं, मैं शायरियाँ बोलूंगी, आप सुनना, आप बोलना, मैं सुनूंगी। सॉरी सॉरी फॉलो मी, मैं आपका पत्ता काट रही हूँ। मैं बता सकती हूँ, मैं उस बीच में सबसे ज्यादा बोर होने वाली हूँ। आपको व्हाट काइंड ऑफ बॉय यू थिंक? सो हेंस ही सेड ही इज एक्वेरियस, आई एम कैप्रिकॉर्न। तो मुझे, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल चीजें पसंद है। मुझे ऑब्वियसली मुझे ये नहीं कि कौन कैप्रिकॉर्न, ओह आई कैप्रिकॉर्न, मतलब दोनों का कुछ कुछ है। सो या मतलब तो मुझे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पसंद है। और लड़के, मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं है कि पर्टिकुलर मुझे कैसा लड़का चाहिए। तारीफ करें यार, सब लड़कियों को वही चाहिए होता है क्या? कि तुम्हारी तारीफ करें। अच्छा नहीं, खैर ये बनी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें एक ही राय है। बट द थिंग इज कि यू वांट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल बॉय। बट थैंक यू सो मच गाइस, यू आर ब्रिंगिंग समथिंग रियली ग्रेट ऑन टेलीविजन। लास्ट में दिस इज हैथवे बी टू बी, यू आर यंगस्टर्स डू लव यू, दे फॉलो यू लाइक गर्ल्स एंड बॉयज ऑल। सो वॉट इन द इंडस्ट्री, पीपल हु आर स्ट्राइविंग टू बी इन टू इंडस्ट्री, आप 10 साल से हैं, आप भी बहुत सालों से मॉडलिंग एंड एक्टिंग सब में है, आप उन यंगस्टर्स को क्या मैसेज और एडवाइस में भी देना चाहेंगे जो थोड़ी मेहनत करके निकले? और देर आर नो शॉर्टकट्स, आई ऑलवेज प्रेफर कि आप स्टार्स कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर कहता है तो समझ में आता है, हम कहते हैं तो नहीं आता है, ऐसे स्टार्स कहते हैं ना तो उनको समझ में आता है। सो ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्टकट फॉर श्योर। मेंटली यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। जो हमारा इंडस्ट्री है ना, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। मैं सब हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपने एक साल अच्छा देखा तो ये शॉर्ट मत हो जाना कि नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए अच्छा ही जाएगा। तो ये इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। आप और ऑब्वियसली बात है कि अगर काम नहीं रहेगा तो डिप्रेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें आता है। बस बस हंस लीजिए, हंस दीजिए उस पर, मत डिप्रेस होइए। कोई दूसरा और भी काम मतलब पैरेलली करते रहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये सही, क्योंकि हम जब काम में रहते हैं ना तो दिमाग में वो शैतान बैठता नहीं है। सो यू हैव टू बी लाइक एक्सेप्टेबल एंड चीज़ों को हमेशा बुरी तरफ से मत देखिए। इट यू हैव टू इवन थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपके पास काम नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो अपना जो वक्त है किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लीजिए। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फोकस ऑन, राइट? सो यही कहना चाहूँगी। और इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू वर्क, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क। पॉजिटिव नोट पे एंड किया, थैंक यू। मैं भी जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा, सिर्फ शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो, एक तो कॉपी मत कीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी है उसकी कॉपी किसी को देखने का कोई मन नहीं करता। और दूसरी चीज़ यह है कि आप जब भी करें तो समय लगता है कोई भी मीडियम में काम करने के लिए, तो आप 1-2 साल जब साइड रख पाएँ तब ट्राई कीजिए। पर वैसे जुआ है, हो सकता है आप सक्सेसफुल हों या ना हो। नवाज सर को 14 साल लग गए, बट नाउ ही इज ग्रेट। यस जी, थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज अमेजिंग, ऑल दी बेस्ट। कि अपकमिंग एपिसोड्स में हम ये लव स्टोरी को ब्लॉसम होते देखें, प्लस आपको सहन शक्ति मिले लोगों को संभालने की, प्लस आई शुड से कि आपके कैरेक्टर से, किरदारों से, कार्तिक और पूर्णिमा से लोगों को प्यार हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे हर्ष के कैरेक्टर से भी प्यार हुआ है, और मुझे पॉलो मी तो आह हा क्या लगी है यार। आप जब उनके पास खड़े होंगे तो आपको वो पॉजिटिविटी दिखेगी कि शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हर कलर, शी लव्स हर सेल्फ, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ पूर्णिमा हु लव्स हर सेल्फ। सो मुझे लगता है ये कई लोगों तक पहुँचेगा और लोगों का 1% ही सही परसेप्शन बदलेगा। सो आपको कैसा लगा हमारा सेगमेंट, हमें फीडबैक जरूर दे, feedbyu@gmail.com। टिल देन दिस इज योर चैटबॉक्स जूई साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीषा जागर जी। यू गाइस की वाचिंग एट बीटीवी, क्योंकि जिम्माना है वी द यंगस्टर्स का।